these are birds. Birds yani panchi. And birds loves to fly high in the sky. इन्हें खुले आकाश में उड़ना बहुत पसंद है. लेकिन क्या आप और मैम उड़ सकते हैं? No, we cannot fly. Birds can fly with the help of their wings. Birds के wings होते हैं जो उन्हें उड़ने के लिए help करते हैं. और बच्चों, आप और हम कहाँ रहते हैं? We build a house to live in and birds builds a nest. Birds क्या बनाते हैं? Nest. Birds live in a nest. And children, so let's learn more and more about birds in our today's topic, that is birds. Children, which bird is this? Yes, it's a peacock. Peacock has the most colorful feathers. It's a beautiful bird. And children, आपको पता है, peacock हमारा national bird भी है. Peacock loves to dance in the rain. And do you know what sound does it makes? Children, which bird is this? Yes, it's an eagle. Eagle flies very high in the sky. Eagle ऐसा bird है वो सबसे ज्यादा ऊंचाई पे उड़ता है और उसके पंख बहुत बड़े होते हैं. And children, do you know? उनकी आईसाइट सबसे शार्प होती है. मतलब चाहे वो कितनी भी ऊंचाई पे क्यों ना हो, वो नीचे अपना शिकार ढूंढ ही लेता है. एंड आपको सुनना है उनकी आवाज कैसी होती है. ये कौन सा बर्ड है? यस, इट्स अ डक. डक ऐसा बर्ड है जो पानी में रहता है एज वेल एज जमीन में भी रहता है. डक इज अ बर्ड विच कैन स्विम इन वॉटर एज वेल एज इट कैन लिव ऑन लैंड. और आपको पता है वो पानी में क्यों तैरता है? क्योंकि इनके लेग्स दे आर लाइक फ्लैपर्स, ऐसे होते हैं, चौड़े होते हैं, सो दे कैन इजिली स्विम इन द वॉटर. एंड चिल्ड्रन, आपको पता है डक कैसे बोलते हैं? ये कौन सा बर्ड है? यस, इट्स अ पिजन. एंड पिजन आर व्हाइट एंड ग्रे इन कलर. और आपको पता है पिजन सबसे शांत बर्ड है, इसीलिए इन्हें शांति के दूत भी कहा जाता है. और चिल्ड्रन, पुराने जमाने में जब फोन कॉल नहीं थे, फोन्स नहीं थे, तब मैसेजेस पास करने के लिए पिजन का यूज करते थे. बिकॉज पिजन एक बार जो रास्ता देख लेते थे वो कभी नहीं भूलते थे. और आपको सुनना है पिजन की आवाज कैसी होती है. ये कौन सा बर्ड है? इट्स अ क्रो. क्रो आर मोस्टली, ये कौन सा बर्ड है? क्रो. एंड क्रो इज ऑलवेज ब्लैक इन कलर. एंड चिल्ड्रन, क्रो हैज अ वेरी हार्श वॉइस. और क्रोस को एनवायरमेंट को क्लीन करने के लिए, क्रोस आर ऑल्सो नोन एज एनवायरमेंटल क्लीनर्स बिकॉज दे ईट ऑल अनवॉन्टेड थिंग्स. एंड चिल्ड्रन, आपको सुनना है क्रो की आवाज कैसी होती है. ये कौन है? इट्स अ हैन. हैन इज अ फार्म एनिमल. एंड चिल्ड्रन, व्हाट डज हैन गिव अस? एग एंड मीट. और चिल्ड्रन, हैंस मोस्टली विलेजेस में पाए जाते हैं. और आपको सुनना है हैन की आवाज कैसी होती है. ये कौन सा बर्ड है? यस, इट्स अ स्पैरो. और इन्हें हाउस स्पैरो भी कहा जाता है क्योंकि वो हमारे घर के आसपास नेस्ट बनाते हैं. एंड बच्चों, आपको पता है वो क्या खाते हैं? दे ईट ग्रेन्स एंड इंसेक्ट्स. एंड चिल्ड्रन, डू यू वांट टू हियर अ साउंड? व्हिच बर्ड इज दिस? इट्स अ कक्कू, यानी कि कोयल. और कोयल कैसे बोलती है? बहुत ही मीठा गाती है. और आपको पता है जब बारिश होने वाली होती है ना और मैंगो की सीजन हो, तो कोयल की बात ही निराली होती है. एंड चिल्ड्रन, कोयल और क्रो दोनों बहुत सिमिलर होते हैं. डू यू वांट टू हियर द साउंड ऑफ अ कोयल? ये कौन सा बर्ड है? यस, इट्स अ पैरट. एंड पैरट्स आर ग्रीन इन कलर. और आपको पता है उनकी बीक कैसी होती है? हुक के शेप की होती है. एंड इट हैज अ रेड बीक.
एंड दे लव टू ईट चिलीज एंड ग्वावा। और आपको पता है पैरट कैन मिमिक लाइक अस, वो हमारी तरह कुछ कुछ बोल सकते हैं। आपने कभी पैरट को बोलते हुए सुना है? चलिए सुनते हैं। Children, here comes the biggest bird, that is an ostrich. आपको पता है ऑस्ट्रिच सबसे बड़ा बर्ड है। It has a long neck and long legs. And क्योंकि ये बहुत बड़ा है तो बहुत हैवी भी होगा, इसीलिए वो ऊंचा नहीं उड़ सकते हैं, लेकिन वो बहुत फास्ट दौड़ सकते हैं। They can run very fast. And children, ostrich is a national bird. And children, ostrich is a national bird of Australia. Do you want to hear the sound of ostrich? Which bird is this? Yes, it's a owl. और आपको पता है, owl can hunt at night because उनको दिन में बहुत कम दिखाई देता है। और owl ही एक ऐसा bird है जो अपना neck पूरी तरह गोल घुमा सकता है। और आपको सुनना है उनकी आवाज कैसी होती है? तमने कोई दिवस रूममा के भीतर लॉक करीने राखे तो तमने गमे नहीं गमे ने, तो आप बर्ड्स ने पण तो आपड़े पिंजरामा के केज मा पूरीने राखे तो ए लोको ने गमे नहीं गमे। ए लोको ने विंग्स थी ए लोको केटलू फाइन फ्लाई करी शके, ए लोको ने फ्रीडम बहु गमे, एटले आपड़े ए लोको ने केज मा पूरीने नहीं राखवाना। ओके चिल्ड्रन, चिल्ड्रन डू यू नो व्हाट इज दिस? आ शू छे तमने खबर छे? આ બર્ડ્સ ફીડ હાઉસ છે અને છે ને તમારે બાલ્કની કે વિન્ડોમાં તમે આની હેંગ કરી શકો છો અને આની અંદર ફીડ રાખે ને તો બર્ડ્સ અહીંયા આવીને એની બીકથી ફીડ ખાઈ શકે। તમને પણ ભૂખ લાગે, તમને પણ તરસ લાગે, એમ બર્ડ્સને પણ ભૂખ લાગે અને એમને પણ તરસ લાગે। સમર સીઝનમાં બહુ જ ગરમી હોય ને તો આપણે આપણી વિન્ડોમાં કે બાલ્કનીમાં વોટરનું એક બાઉલ હોય ને એ ભરીને રાખવાનું, તે લોકો એમાંથી પાણી પી શકે। ઓકે ચિલ્ડ્રન? ચિલ્ડ્રન, ધીસ ઇઝ યોર લેવલ 1, માય ફર્સ્ટ બુક ઓફ નોલેજ, ધેટ ઇઝ યોર જીકે બુક। And in your GK book, on page number 9, the topic is birds. So now let's explore the birds. This is parrot. Parrot matlab tota. Tota kaun se color ka hota hai? Green color ka. Aur uski red color ki beak hoti hai. The next is peacock. Peacock ke beautiful colorful feathers hote hain. And peacock is our national bird. This is pigeon. Pigeon matlab kabutar. And it can be found in many colors. The next is cuckoo bird. Cuckoo bird matlab koyal. Koyal ki awaz kaisi hoti hai? Meethi meethi, ekdam madhur meethi awaz hoti hai. This is owl. Aur owl ki do badi badi eyes hoti hai. And owl can see at night. This is crow. Crow matlab kauwa. Aur kauwa kaun se color ka hota hai? Black color ka. और क्रो की आवाज बहुत हार्श होती है। देन दिस इज डक। डक मतलब बतख। एंड इट कैन लिव इन वॉटर एंड ऑन लैंड ऑल्सो। देन दिस इज स्पैरो। स्पैरो मतलब चिड़िया। और चिड़िया कैसी होती है? छोटी सी होती है। देन ऑन द नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 10, वी हैव ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बर्ड। और उसकी नेक बहुत लंबी होती है और उसके लेग्स भी लंबे लंबे होते हैं। एंड इट कैन रन फास्टर देन अदर बर्ड्स। This is hen. Hen yani murgi. Hen gives us egg. This is penguin. Yes, and penguin cannot fly high in the sky. Aur penguin zyadatar barf mein rehte hain. This is eagle. Eagles are large birds. Aur unki badi badi wings hoti hai. And they can fly high in the sky. This is vulture. It has broad wings. Uske bahut phaile huye pankh hote hain. Aur unki eyes bahut sharp hoti hai. Birds are beautiful. मतलब birds बहुत सुंदर होते हैं। Birds have a beak. सब birds की एक चोंच होती है। Birds fly with their wings. Birds अपने पंख की मदद से उड़ते हैं। Peacock has colorful feathers. Peacock के colorful feathers होते हैं। Yes kids? Now let's see what is next. Page number 11 पे हमारी exercise है. Encircle the birds only.
अभी इन सब पिक्चर्स में से हमें सिर्फ बर्ड्स को सर्कल करना है. सो लेट्स स्टार्ट. विल टेक अ कलर. ये बर्ड है? नहीं. दिस इज हेन. दिस इज बर्ड. सो वी विल सर्कल दिस पिक्चर. नाउ नेक्स्ट, इज दिस अ बर्ड? यस, इट इज अ बर्ड. इट इज अ क्रो. सो वी विल सर्कल दिस पिक्चर ऑल्सो. इज दिस अ बर्ड? नो, दिस इज नॉट अ बर्ड. ये बर्ड है? हाँ, इट इज अ पीकॉक. तो हम इसे भी सर्कल करेंगे. ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट कलर द पैरट. चिल्ड्रन आप लोगों को इस नेक्स्ट कलर द पैरट. चिल्ड्रन आप लोगों को इस पैरट को अच्छे से ग्रीन कलर करना है और रेड बीक करनी है. ओके चिल्ड्रन, मैम तुमने बताव्यू ने કે બર્ડ્સ ના સાઉન્ડ કેવા છે, એના કલર્સ, એની સાઇઝ અને કેવી રીતે ફીડ કરે, આપણે બર્ડ્સ ની કેર કેવી રીતે લેવાની, બધું તમને આ બર્ડ્સ ટોપિકમાં મેમે કરાવ્યું ને. ઓકે, ટેક કેર ઓફ યોર સેલ્ફ એન્ડ બર્ડ્સ ઓલ્સો. બાય બાય.